आज तक किसी को नहीं पता कि कब्र जनाबे सैयदा कहां है। आज तक किसी को नहीं मालूम कि कब्र जनाबे सैयदा कहां है। बड़ी कोशिश की लोगों ने कि मालूम कर लें, लेकिन नहीं मालूम हो सका। या तो बकी में है सबसे कम एहतमाल, या तो अपने घर में दफन है इससे ज्यादा एहतमाल, या तो खुद पैगंबर के मिंबर और घर के बीच में दफन है सबसे ज्यादा एहतमाल। कहां है मालूम नहीं। और फिर अर्ज करूंगा, इतने इमाम गुजरे किसी ने नहीं बताया। अगर लैलतुल कद्र से तशबीह दे रहे हैं तो कुछ शबाहतें पाई जाएं, वहां भी अहमियत की बुनियाद पर कुछ चीजों को मख्फी रखा जा रहा है, नहीं बता रहे शबे कद्र कौन सी है। यहां भी अहमियत की बुनियाद पर भी और उससे ज्यादा जरूरत की बुनियाद पर कुछ चीजों को मख्फी रखा जा रहा है, किसी ने नहीं बताया कब्र जनाबे सैयदा कहां है। ये तीन एहतमाल बहुत ज्यादा वाजे हैं जो आमतौर से बयान होते हैं कि या चूंकि पैगंबर के दिन बैना मिंबरी वदारी रोजतुम मिन रियाज़िल जन्ना, हमारे मिंबर और घर के बीच में जन्नत के बागों में से एक बाग है। ये कौन सा बाग है जो जो घर और मिंबर के बीच में है, नहीं मालूम। तशबीह दी उलमा ने कि शायद इससे मुराद कब्र जनाबे सैयदा हो। क्यों? क्योंकि ऐसी ही हदीस इमाम रजा के लिए फरमा रहे हैं कि तूस के दो पहाड़ों के दरमियान जन्नत के बागों में से एक बाग है। तूस के दो पहाड़ों के दरमियान जन्नत के बागों में से बाग है। वो बाग क्या बना? कब्र जनाबे इमाम रजा अलैहि सलातु वसलाम। या जैसे करबला को जन्नत के बागों में से बाग कहा गया, तो इससे ये एक इशार मिलता है, एक इशारा मिलता है कि शायद यही कहना चाहते थे जनाबे सैयदा कब्र के लिए, लेकिन यकीन से नहीं कह सकते। घर में दफन कर दी गई, मालूम नहीं। बकी में दफन की गई, पता नहीं, कहीं नहीं। कोई निशान कब्र आज नहीं है। अगर कोई कहता है तो गलत है। जो कब्र बकी में है वो फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा की है, मौला कायनात की वालिदा। जनाबे सैयदा की कब्र का पता नहीं है, कभी नहीं रहा पता। ऐसा नहीं है कि पता था, कुछ लोगों ने कब्र को मिटा दिया, निशान कब्र मिटा दिया। जी नहीं, निशान कब्र मिटाने की बात ही नहीं है, क्योंकि निशान कब्र कभी रहा ही नहीं। क्यों नहीं रहा, यही तो तारीख का सवाल है, यही तो मौलाए कायनात की मजलूमियत पर दलील है, यही तो, बल्कि और अगर आप इंशाल्लाह साथ देंगे आगे चलूंगा तो आप अर्ज करूंगा, यही तो मौलाए कायनात की हक्कानियत की दलील है कि नहीं मालूम कहां है कब्र जनाबे सैयदा। आज तक नहीं मालूम, कोई निशाने कब्र किसी जमाने में नहीं रहा। सिर्फ कुछ खास लोगों को पता था, उंगलियों पर शुमार करने वाले लोग जनाबे सैयदा कब्र के जनाजे में शरीक है, सात आठ लोग बस। और खुद कहा कि रात में उठाना, मख्फी तरीके से उठाना, खुद भी तारीख भी मख्फी, शहादत की ये है या वो पता नहीं, का दोनों में मनाओ। कहां से कह रहा हूं शबे कद्र से इल्हाम लेकर के कि दोनों में, सब में करो, यहां भी मनाए दोनों में। कब्र कहां है नहीं मालूम, क्यों छुपाया गया पता नहीं। अब यहीं पर एक वाकया आपने सुना होगा, लेकिन मैं चूंकि पहुंच गया हूं यहां तक, मुर्तबित कर दूं अपने मौजू से कि जनाबे आयतुल्लाह मरआशी अल्लाह मकामहू, जो मारूफ है सैयद शहाबुद्दीन मरआशी, जो कुम में जिनका कब्र भी है, इमाम में हरम थे जनाए मासूमा के, और जिनका किताबखाना मशहूर है, उनके वालिद, उन्होंने 40 दिन का कोई अमल किया, 40 रातों का, कि किसी दुआ के पढ़ने से, किसी अमल के करने से, कि किसी मासूम को ख्वाब में देखें, ये अमल किया उन्होंने। बहरहाल उनका अमल मुस्तजाब हुआ और उन्होंने ख्वाब में मासूम को देखा, या इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम या इमाम सादिक अलैहिस्सलाम। और आपने आकर के ख्वाब में बयान किया कि अलैका बिज़ियारत करीमत अहलिल बैत, तुम्हारे ऊपर करीम अहले बैत की ज़ियारत है। उन्होंने कहा कि मौला मैं भी यही चाहता हूं कि पता तो चले कि वो करीमा दफन कहां हुई, कि हम उनकी ज़ियारत के लिए जाएं। तिवान ने फरमाया कि नहीं, मेरी मुराद फातिमा बिनते पैगंबर नहीं है,
बल्कि मेरी मुराद फातिमा बिनते मूसबने जाफर हैं। यानी कौन? यानी मासूम कुम, एक मर्जा का ख्वाब, वो भी ख्वाब में इमाम। अगर कोई ख्वाब में इमाम को देखता है तो इमाम है, क्योंकि किसी को यह अख्तियार हासिल नहीं है, जिन या किसी को भी, कि जो इमाम की शक्ल इख्तियार कर ले। नहीं हो सकता, इमाम पैगंबर की शक्ल में कोई नहीं आ सकता। अगर इमाम को देख रहा है, वाकया इमाम को देख रहा है, तो इमाम है। और उन्होंने नकल किया, कहा कि मेरी मुराद फातिमा बिनते मूसा बिन जाफर हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्यों? इसलिए कि उनके जुमले के परवरदिगार की मसलहत यह है कि वो कब्र पोशीदा रहे। तवज्जो कीजिए, परवरदिगार की मसलहत यह है कि वो कब्र पोशीदा रहे, लिहाजा हम बता नहीं सकते तुम्हें, लेकिन तुम जनाबे मासूम कुम की ज्यारत के लिए जाओ। क्यों? इसलिए कि जनाबे सैयदा की कब्र का जो सवाब हो सकता था ज्यारत का, वो परवरदिगार आलम ने मासूम कुम की ज्यारत में रखा है। एक सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद।